चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको टैफे 1002 ट्रैक्टर के बारे में, फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के बारे में पूरी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में बताऊंगा, भी दिखाऊंगा, भी जितना मेरे को पता है, जितनी इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है उसके हिसाब से। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है और 4x4 है और ये टर्बो चार्ज विद इंटरकूलर के साथ में 4 स्ट्रोक इसका इंजन है ट्रैक्टर का और ये 400 cc का इसका इंजन है। 100 HP का ये ट्रैक्टर है जो एयर क्लीनर ड्राई एयर क्लीनर के साथ में, हाँ 4000 cc का ये इंजन है इसका और ड्राई एयर क्लीनर के साथ में ये ट्रैक्टर आता है। 100 HP की रेंज में ये ट्रैक्टर है। जो क्लच है ड्राई ड्यूल ड्राई फ्रिक्शन टाइप की प्लेट के साथ में ट्रैक्टर इसकी क्लच है। जो गियर की बात करें 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स के साथ में ट्रैक्टर आता है। और अगर हम इसके ब्रेक की बात करें, सॉरी ट्रांसमिशन की बात करें, तो 12+4 के ट्रांसमिशन के साथ में सिंक्रोमैस फुल्ली सिंक्रोमैस गियर बॉक्स के साथ में ट्रैक्टर आता है और ये अपना 540 PTO चक्कर है इसके, 1900 ERPM के साथ में 540 चक्कर अपने बना लेता है। और जो ब्रेक है इसके मल्टी डिस्क वेट ब्रेक के साथ में ट्रैक्टर आता है और जो लिफ्ट है लिफ्ट सेंसिंग वो ADDC सेंसिंग के साथ में आता है। कैपेसिटी का इसका पता नहीं, इसमें पीछे बूस्टर लगते हैं उसके साथ आप कितनी भी बढ़वा सकते हो, कितनी भी कम करवा सकते हो, जैसे कि 2500 करवा, 3000, 4000, जितनी लिफ्ट कैपेसिटी आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप बूस्टर लगवा सकते हो। और पावर स्टीयरिंग के साथ में ये ट्रैक्टर आता है और ये ट्रैक्टर सेल के लिए भी है। अगर कोई अच्छा बायर अगर खरीदना चाहता हो इस ट्रैक्टर को तो वो खरीद सकता है। ये अपना स्वरूपगढ़ गांव है चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, यहाँ आके किसी से आप पूछ सकते हो, ये ट्रैक्टर आपको एड्रेस मिल जाएगा इसका। थोड़ा सा जेन्युइन बायर हो वो यहाँ विजिट कर सकता है इस ट्रैक्टर को खरीदने के लिए। ऐसा कोई नहीं है कि भाई इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल सकता। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगी आपको इसको, जो उसके फ्रंट टायर है अपने वो 14/9/28 के टायर के साथ में ट्रैक्टर रखता है, पूरा 14/9/28 के टायर के साथ में। और जो इसका पंप है वो बोस कंपनी का माइको पंप है। और जो एक और चीज बता दूं, ये जो ट्रैक्टर आया है ये टैफे कंपनी है, चेन्नई से टैफे कंपनी के अंदर से ट्रैक्टर खरीदा गया पूरा और अभी 2019 में पास करवाएंगे तो वहां से लेके आए इस ट्रैक्टर को टैफे कंपनी के अंदर से प्लांट के अंदर से और ट्रक लेकर इधर से पायदान हो गया अपने। और ये पूरा फुल्ली प्लेटफॉर्म के साथ में है, फुल्ली सिंक्रोमैस गियर बॉक्स के साथ में ट्रैक्टर आता है। इधर अपना पंप वगैरह सारी चीजें इन लाइन पंप के साथ में ट्रैक्टर है। ये अपना हाइड्रोलिक पंप और ये अपना ऑयल फिल्टर वगैरह, जो डीजल टैंक है 100 लीटर का डीजल टैंक है वो पायदान के नीचे ही दिया गया इसका। और जो बैक टायर की बात करें, ये 18.4 38 का टायर है, ये 18.4 38 के साथ में टायर के साथ है 1004। और जो फ्रंट एक्सल 4x4 व्हील ड्राइव के साथ में, ये फ्रंट एक्सल काफ़ी हैवी ड्यूटी के लिए फ्रंट एक्सल है इसका। अपना रेडियल टायर के साथ में ट्रैक्टर है टैफे 1002। टूल बॉक्स भी दिया है, बैटरी बॉक्स जो नीचे दिया है, जो नीचे रोड है 4x4 वाली वो यहाँ से। इस ट्रैक्टर थोड़ी सी नॉलेज इंफॉर्मेशन कम मिल पाई इसलिए जो मेरे को पता है आपको बता रहा हूँ। कोई बंदा खरीदना चाहता है प्लेंट्री गियर बॉक्स के साथ में रखता है अपना बैक एक्सल पूरा प्लेंट्री गियर बॉक्स के साथ में, ये लिफ्ट सेंसिंग अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। जो ये लिफ्ट आर्म है वो भी निकाली हुई है इनकी, तो उनके ऊपर जैक लग रहे हैं। और ये अपना बैक हुक भी है वो भी उतारा हुआ है उन्होंने अपने किन्हीं कारणों से, ये सारी चीज़ें उतारी हुई है। अगर मैं इसका प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ, प्लेटफॉर्म एडजस्टेबल सीट के साथ में, ये PTO लीवर के साथ में ट्रैक्टर है, सीट बेल्ट डिलक्स सीट के साथ में ये ट्रैक्टर है। इधर अपना गियर लीवर है, ये हाई लो मीडियम 4 बैक के लिए और 3 फॉरवर्ड के लिए इसके गियर है, 4 बैक के लिए और हाई लो में ये ट्रैक्टर है। हाई लो ये पीछे मीटर जो कि ये 3000 RPM के साथ में ट्रैक्टर आता है। स्टेयरिंग के साथ में ये फ्रंट लुक जो कि आप देख सकते हो काफी अच्छा है। स्टीयरिंग देख लो,
न्यू ट्रैक्टर था बट फिर स्टार्ट कर देखा वो